हाय दोस्तों, टेक्निकल हेल्पिंग केशव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बतलाने वाला हूँ किसी के भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बैलेंस को कैसे चेक करेंगे और ऑनलाइन उसका रिचार्ज कैसे करेंगे खुद से घर बैठे सिर्फ एक मिनट में। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप ओपन करना होगा। ओपन करेंगे देखेंगे ऊपर लिखा रहेगा रजिस्टर करने के लिए और नीचे पेबल रिचार्ज का आपको ऑप्शन है, उसे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कंज्यूमर नंबर यहाँ है, कंज्यूमर नंबर अपना सीए नंबर 9 डिजिट का इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखेंगे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट के ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको करेंट बैलेंस दिखेगा, नेम दिखेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल और रिचार्ज अमाउंट। तो करंट बैलेंस आपको जो भी अभी बैलेंस बचा होगा वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप किनके नाम से ये कनेक्शन है वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और जब आपको रिचार्ज करना होगा तो देखें मोबाइल नंबर मैंडेटरी का ऑप्शन है, तो ज़रूरी नहीं कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शनल ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आप डालें या ना डालें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे देखेंगे रिचार्ज अमाउंट, आपको जितने का भी रिचार्ज करना होगा वो अमाउंट को एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एकदम नीचे देखेंगे रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, तो इस रिचार्ज का ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन अब मिलेगा वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तीन ऑप्शन मिलेगा। जो आपको सुटेबल होगा वो ऑप्शन का आप चुनाव करके खुद से रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।